हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा ये समय आपके लिए, और डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। गाइस, जब भी आप रीडिंग देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। जो भी मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है वो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें कनेक्ट होने दीजिए, ठीक है। वहीं रिसीव कीजिए जहाँ आपकी इंट्यूशन बता रही है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। पाइसिस मीन राशि, क्या रहा है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फॉरगिवनेस, ओके, विजडम, ब्यूटिफुल। डियर पाइसेस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर की जो ज्ञान है, आपके अंदर का जो विजडम है ना, आप उससे कनेक्ट हों, ठीक है। बट उससे कनेक्ट होने के लिए होने को लेकर के ना, यहाँ पर जो कुछ आपके अंदर कुछ नकारात्मकता है, ठीक है, अभी ये आपके पास्ट से कनेक्टेड हो सकती है, आपके बचपन से कनेक्टेड हो सकती है। कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अभी घर करके बैठी हुई हैं, जिन्हें आपको अपने अंदर से निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है जिन्हें यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत है। कोई दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है या फिर खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। मतलब ये जो 15 दिन है ना, ये वो फॉरगिवनेस मांग रहा है, ताकि आप अपने पावर से, आप अपनी इंट्यूशन से, आप अपनी इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट हो पाएँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो मदर अर्थ गाया है, जो नेचर है, माँ है, आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं मदर अर्थ गाया, और वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। कनेक्ट होने का मतलब ये है नेचर के साथ काम करना, टाइम स्पेंड करना, और ग्राउंडिंग करना अपनी नेचर में, ग्रीनरी में बैठ करके आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ट्रीज़ को हग करना, प्लांट्स को हग करना, ठीक है, ताकि और ऐसा फील करना कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता जो है वो रिलीज़ हो रही है। जैसे उन्हें टच करना, ठीक है, फील करना, जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, ग्राउंड होता है, उसको टच करना और फील करना कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो रिलीज़ हो रही है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी बैगेज है, जो भी ग्रज है, जो आप अभी लेकर के चल रहे हो, चाहे वो आपके बचपन से था कोई ग्रज, आपके माता पिता को लेकर के, आपके सिबलिंग्स को लेकर के, या फिर अभी हम कह सकते हैं कि कुछ सालों में या बहुत सालों में जो पास्ट में आपके रह चुका है, जो सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं, तो बेसिकली फॉरगिवनेस का कार्ड यही कह रहा है कि उन सिचुएशन, उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने को ब्लेम करते हैं हर किसी सिचुएशन के लिए, तो खुद को यहाँ पर माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको नेचर से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, नेचर के थ्रू आपके मतलब आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे। आप कनेक्ट होइए, आपको फील होगा कि नेचर आपसे बात कर रही है, आपको मैसेजेस दे रही है। क्योंकि ये वक्त ना दोबारा से, जिसे कहते हैं, यस, ये देखिए एनलाइटनमेंट का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अब आगे जो आने वाला वक्त है ना, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है पाइसेस, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन हो चुकी है ना आपकी पास्ट में, रीसेंट पास्ट में जो भी हो चुका है, उसे अब रिलीज़ करने की पूरी तरीके से ज़रूरत है, ताकि अब आप आगे आने वाली जो आपकी सिचुएशंस है ना, उनको पॉजिटिवली देख पाएँ, एक पॉजिटिव नज़रिए से आप उनको देख पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब आपकी जब आप अपनी विजडम से कनेक्ट होंगे, तो हायर प्रोस्पेक्टिव से आप चीज़ों को देख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर ये कुछ थॉट्स हैं आपके अंदर, कुछ ऐसा कुछ आपके अंदर बैठा हुआ है जो आपको
आगे के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, भले ही अच्छा वक्त भी चल रहा हो या आ रहा हो, आपको पता चल रहा है इंट्यूटिवली, बट फिर भी माइंड में वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो घर कर जाती हैं कि फिर से वैसा कुछ ना हो जाए, फिर से कुछ बुरा ना हो जाए, या ये जो अच्छा वक्त है ये कब तक टिकेगा, ठीक है, ये आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या ये परमानेंट रहेगा, मतलब बहुत से नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है कि उन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। आपकी विजडम जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपकी इनर विजडम कनेक्ट होना चाहती है, बिल्कुल। आप इन 15 दिनों में बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव करने वाले हो स्पिरिट की तरफ से, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं पाइसिस मीन राशि। थैंक यू भोले बाबा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यस। अब ये जो 15 दिन है ना आप लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आने का है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, कट करें और अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ें, ठीक है। और अगर आप अभी देखिए आपके पास ना टू चॉइसेस हैं कि आप अभी पास्ट की ऊर्जा के साथ रहना चाहते हो या नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ आपके पास टू चॉइसेस हो, टू पाथ्स हो, ठीक है। एक रास्ता आपको ये बता रहा है कि जो जोन से आप चलते आए हो, जिस सिचुएशन से आप चलते आए हो, उसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर अब जो दूसरा एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि कुछ अलग करना है, कुछ हट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक रिस्क लेना है, समझ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का वक्त आ गया। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आपके, ये एक मेजर डिसीज़न लेने के हैं। ये मेजर डिसीज़न आप तभी ले पाओगे जब आप अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आ पाओगे, जब आप अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर के आ पाओगे, जब आप के अंदर वो एक पावर होगी कि यस, अब मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, ठीक है, और मैं डिवाइन का बच्चा हूँ और मेरे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रूथफुल के साथ मतलब सच्चाई के साथ अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और बड़े बड़े डिसीजंस बनाना, ये आपके लिए 15 दिन में रहेगा। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मुझे ना यहाँ पर आपका गुस्सा भी थोड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब अपने गुस्से को शांत करना है आपको ना, जितना हो सके अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होइए, नेचर से, जैसे मैंने आपको बोला कनेक्ट होइए, जो आप बचपन में चीज़ें करते थे उनसे कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है इन 15 दिनों में पाइसिस। आपकी लाइफ में खुशियाँ यहाँ पर एंट्री कर रही हैं, ये फॉर श्योर है। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ब्यूटीफुल। पर आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने पुरानी सोच को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, ये एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, ठीक है। Ace of Swords. Knight of Swords. Oh my God. Okay, जी. ये हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, ठीक है। हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एम्परर,
Three of coins. Okay, my dear. Six of coins. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कॉइंस. मैंने बोला ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो ढेर सारी मनी को, ढेर सारी खुशियों को, ढेर सारी अबंडेंस को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो. बट उसके लिए ना आपका कुछ मेजर अपनी लाइफ में डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है. और आप लोग ही जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप इस एटीट्यूड में हो, आप इस एनर्जीज में आ रहे हो, मेंटली भी और फिजिकली भी जिसे कहते हैं. और ये वक्त है बस अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को अब कट करने का वक्त आ गया है, ठीक है. और एस ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है जो भी उलझन, जो भी चीज़ें आपको उलझा रही हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर आपको क्लियर पिक्चर देखने नहीं दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये 15 दिन आप उन एनर्जीज़ को कट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है. आपके अंदर ना बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके अंदर वो क्लैरिटी इन 15 दिनों में आ रही है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ में क्या एक्शंस लेने हैं, और जिस चीज़ को लेकर के मुझे कोई रोक नहीं सकता है, उन चीज़ों को लेकर के आप अपनी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से, जिसे कहते हैं कि वो डिसीज़न बनाते हुए, एक्शंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो. कहने का मतलब आप लोग इस तरह की ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो, ओके, इस तरह की एनर्जीज में आप टैपिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अब आप एक चेंज चाहते हो, अब बदलाव आप यहाँ पर चाहते हो, ठीक है. आपकी जो थ्रोट चक्रा है ना वो यहाँ पर बहुत एक्टिव हो रहा है इस वक्त में, मतलब आप बिल्कुल क्लियर कट बात करने वाले हो इस वक्त में, चाहे किसी को आपकी बात बुरी लग रही है बुरी सही, अच्छी लग रही है अच्छी सही, मतलब सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ोगे, जो आपको फील होगा, जैसा आपको लगेगा वैसा आप लोगों के साथ डील करोगे, वैसा ही आप बोलोगे. मतलब यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज नहीं है कि आपको फील कुछ और हो रहा है और आप अपने इमोशंस को रोक रहे हो, नहीं, जो है जैसा है वैसा आप उनके साथ ट्रीट करने वाले हो. अभी वो सामने वाले को हर्ट करता है वो करे, अगर वो आपकी किसी सिचुएशन पर इम्पैक्ट भी डाल रहा है ना तो भी आप रुक नहीं रहे हो. मतलब आपका थ्रोट चक्रा, मतलब कहने का, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप बहुत एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, मतलब. और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव और क्लैरिटी वाली, जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत आप कर रहे हो, आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है और आप उसको लेकर के अपने लाइफ में डिसीजंस बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जिसमें कि आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी. यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, बस वो होता है ना कि जो सफलता का वो जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम संभल नहीं पाते या फिर फ्लक्चुएट होती है सिचुएशंस. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, दैट इज़ वाई आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर आया था. और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर विजडम की एनर्जीज और एनलाइटनमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया था, कि जो भी, मतलब आपको ना बेसिकली आगे आने वाली जो सिचुएशंस हैं उनको पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव रवैया यहाँ पर अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है. गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, गाइडेंस आपके लिए बहुत यहाँ पर आ रही है, डिवाइन आपको गाइड भी कर रहे हैं और आप भी एक अच्छी सच्ची राह पर चलने के लिए ना बिल्कुल रेडी हो, और अपनी लाइफ में एक जिसे कहते हैं कि नई शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो. मतलब आप अपनी तरफ से ना अभी इस वक्त में, अब आप ये चाहते हो कि मेरी तरफ से कुछ बुरा नहीं हो, ठीक है, बुरा इन द सेंस कि मैं सच्चाई के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, सच का साथ दूं, ठीक है. अभी उसके लिए मुझे कुछ भी जिसे कहते हैं कि रिलीज़ करना पड़े अपनी लाइफ से, बट मैं सच्चाई के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ये वो वाली एनर्जीज मुझे इन 15 दिनों की आप लोगों की दिख रही है. प्लीज़ थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें. ओके माय डियर. यस, मुझे ये लग रहा था, ओ माय गॉड, ये जो वक्त है ना,
ओके, एक और लेना चाहूंगी मैं आपके लिए कार्ड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओ वेरी नाइस। देखिए, आप लोग किसी रिलेशनशिप वाइज किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो पाइसेस, ठीक है। खासकर ये वो एनर्जी से, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन आपको बहुत कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। ये कोई मेल एनर्जी हो सकती है, कोई मेल एनर्जी या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कई बार कुछ फीमेल्स भी होती हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज वाली होती हैं, तो मतलब उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो बेसिकली बहुत कंट्रोलिंग है आप पर, आपको बहुत कंट्रोल कर रही हैं। तो उस एनर्जी से आपको इस ये 15 दिन में ना मुक्ति मिलने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। हर्मिट की एनर्जीज ये बता रही है कि जिसे कहते हैं कि इस वक्त कुछ ऐसा होगा आपकी रिलेशनशिप वाइज जो आपको ऐसी एनर्जी से मुक्त कराएंगी, ठीक है। अभी देखिए, ये आपके हालांकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट मुझे यहाँ पर जो फीलिंग हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, जिस वजह से कि आपकी रिलेशनशिप पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, समझ रहे हो आप। अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, अगर ये कोई थर्ड पर्सन है, तो उनका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, और ये पर्सन जानबूझ करके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा से आपको मुक्त कर आप मतलब मुक्त होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली आपको ना गाइडेंस मिल रही है और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, और एक जिसे कहते हैं कि मेजर यहाँ पर डिसीजन बना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, आप बेसिकली अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो इस वक्त में विद द हर्मिट एंड एम्परर कार्ड, ठीक है। आप लोग अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो और इस सिचुएशन से यहाँ से बाहर आ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये, मतलब बेसिकली यस, किसी ऐसे कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, ये जो भी कुछ हो रहा है ना आपकी लाइफ में, देखिए आपके लिए ना यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस है, लेकिन मैं ये गाइडेंस अभी देना चाहूँगी। आप जितना हो सके ना आप दूसरों की मदद पर फोकस कीजिए इस वक्त में, ठीक है। सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा करना, ठीक है, दूसरों की मदद करना, ये आपके इस प्रोसेस को ना और स्पीड में लेकर के आएगा, ठीक है। ये सिचुएशंस बहुत जल्दी रिकवर होंगी, मतलब इस सिचुएशन से बड़ी ही जल्दी आप बाहर निकल कर आओगे। आपके गुड डीड्स, आपके अच्छे कर्म आपको और आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए भी ना यहाँ पर आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया था कि ये जो भी एनर्जीज है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, बहुत कियोस क्रिएट कर रखा है, ऐसी ऊर्जा को ना आपको अपने अंदर जगह नहीं देनी है, अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ऐसी ऊर्जा को आपको रिलीज करना है, माफ करना है, फॉरगिव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर के आ जा रहा है। देख रहे हो, हर्मिट की एनर्जीज है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपको यहाँ से बाहर लेकर के आया जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर मदद आ रही है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर करियर की अगर बात की जाए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है माय डियर पाइसेस। ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे ना, थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, कंपटीशन लेवल मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। आप जो भी कर रहे हो, करियर बिजनेस में भी हो सकता है, करियर में वाइज भी हो सकता है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, आपके आसपास अच्छी एनर्जीज नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि बस हराने की कोशिश कर रहे हैं, चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ने की जल्दी है, सबको आगे बढ़ने की जल्दी है, ठीक है। क्लैशेस हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, और
आप लोगों की बातें एक दूसरे से मैच ना करें, ओपिनियन मैच ना करें, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको इस ऊर्जा में टैप इन नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने स्किल्स पर, अपने आप पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है। अगर आप ऐसी ऊर्जा में फंसोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आप भी उन लोगों की तरह ही बन जाओगे। तो लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको भी यहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को कुछ समझाने की भी कोशिश करोगे तो कोई पर्सन समझेगा नहीं, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी हैं उलझने वाली, ठीक है। जितना आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे ना, उतने ही आपका कम्युनिकेशन जो है उनके साथ और बिगड़ेगा, सामने वाला पर्सन यहाँ पर समझेगा नहीं। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त में जब सब उलझ रहे हैं, सब एक दूसरे को रोक लगाने की चाले चलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, सब इन चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, उस वक्त में आप अपने काम पर, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। दैट्स इट, उस पर फोकस कीजिए, सारा फोकस घुमा करके वहाँ लगा दीजिए, ठीक है। बाकी वो सब चीज़ें डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। आपको अगर आप अपने स्किल्स पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस आपको अपनी तरफ से कोई निगेटिव या फिर कुछ बुरा किसी के लिए ना तो करना है ना सोचना है, ठीक है। वो सब डिवाइन पर आप छोड़ दो, क्योंकि इस समय आपकी जो नाव की, किसे क्या कहते हैं, जो आपकी नैया है ना, वो डिवाइन के हाथ में है, ठीक है। वो उनका प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर के आएंगे, इसकी ओर से स्टेबिलिटी की तरफ बाहर लेकर के आएँ। तो आपको यहाँ पर हाथ पैर नहीं मारने हैं। अगर आपने हाथ पैर मारे तो आपकी डायरेक्शन फिर से बदल सकती है। अभी तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बट आपने अगर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी या फिर कुछ अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी, तो पता चला कि वहाँ से जहाँ आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आप खुद ही घूम गए हो, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। हेल्थ वाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर कुछ आप लोगों की आपके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो रिकवर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है, ठीक है। हेल्थ और बाकी सब की अगर बात करूँ तो हेल्थ बिल्कुल ठीक चलेगी, यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसको लेकर के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ठीक है। बस उन लोगों के लिए यहाँ पर मेन मैसेज निकल कर आया है जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी हेल्थ की यहाँ पर बेटर होने के, बेटरमेंट के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। हो सकता है आप अपना ट्रीटमेंट, देखिए अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, यस एक मैसेज और भी है आपके लिए, अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो और वहाँ से अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि जिस जगह पर आप रह रहे हो ना, उससे बाहर, मतलब या तो ये मतलब अदर सिटी हो सकती है, अदर कंट्री भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। अगर आप अपनी जगह से बाहर कहीं और पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वहाँ आपकी रिकवरी के वेरी हाई चांसेस है। येस यहाँ पर थोड़ा जिसे कहते हैं कि पैसे लग सकते हैं आपके, ये भी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, बट जिसे कहते हैं ना कि पैसे लग रहे हैं पर वो फ्रूटफुल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके मनी वेस्ट हो रही है। आपकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पर मैसेज यही है कि अगर आप वहाँ पे जिस सिटी या कंट्री में हो, अगर उससे बाहर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, तो वहाँ आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। अगर वहाँ पे पैसे भी लग रहे हैं ना, तो वो फ्रूटफुल रहेंगे आपके, ठीक है। ये वक्त हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी करें, ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। मेंटली भी जिसे कहते हैं कि जैसे शिफ्ट्स में आपकी लाइफ में बता रही हूँ, चेंजेस आपकी लाइफ में बता रही हूँ, क्या कि पहले आपके मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है, ठीक है, बट आप स्थिरता की तरफ आगे जा रहे हो, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है और आपके माइंड में वो जो है स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। मतलब स्थिरता, पीस आपके अंदर आ रहा है कि यस डिवाइन आपके साथ है। आपको ना वो एक फील होगा कि हर वक्त पग पग पर आपके, हर एक पथ पर आपके ना डिवाइन आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको फॉलो क्या करेंगे, वो आपको, कहने का मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो ऑलवेज आपके साथ है, मतलब आप उन्हीं के साथ हैं, सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। तो ये एक जो माइंडसेट है ना, वो आपका शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, तभी यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। स्टैग की भी एनर्जीज है, वाइट स्टैग है,
गाइडेंस पूरी है आपके लिए। और जितना हो सके इस वक्त में मेडिटेट कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि नेचर के साथ कनेक्ट होना, तो ये डबल कन्फर्मेशन है आपके लिए कि जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होइए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। नेचर में मतलब बैठ करके ना आप मेडिटेट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर आपकी ब्लॉकेज की बात की जाए, तो ब्लॉकेज के लिए यहाँ पर आपके लिए एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड देखिए, सबसे पहली बात तो बोलूँगी कि जो आपके खुद के सीक्रेट्स हैं, चाहे वो किसी भी एरिया को लेकर के हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में न्यू प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, या फिर कुछ आपके खुद के टास्क हैं, खुद के कुछ के खुद आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जिस भी जो भी चीज़ है आपकी, आपको बोला जा रहा है खुद के चीज़ों को सीक्रेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी शेयर करने वाली है नहीं, सिचुएशन शेयर करने वाली है नहीं है। तो आप जितना हो सके अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखिए और उसको सीधा इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ आपको अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना है, अपने जिसे कहते हैं नेचुरल जो आपके खुद के आइडियाज़ हैं उनको शेयर नहीं करना है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे जो आपकी अपने एक पहला मैसेज मैंने आपको ये दिया ना कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आने वाले जो 15 दिन है ना, आप लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा जिसे कहते हैं वो बढ़ रहा है, तो उसे शांत कीजिए। यहाँ पर भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गुस्से में आकर के कोई डिसीज़न लेते हो, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेते हो, तो स्थिति बिगड़ सकती है। जितना आप शांत मन में रह करके, स्टेबिलिटी के साथ, ग्राउंडेड होकर के, मैच्योरिटी के साथ आप अपनी लाइफ डिसीजन बनाएंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चीजों को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो प्लीज। ये एम्परर का कार्ड यही बता रहा है, मैंने बोला ना कि इस वक्त आपकी नैया जो है डिवाइन के हवाले है। ठीक है, तो चीजों को कंट्रोल मत करो, मतलब बस गोइंग विद द फ्लो रहो इस वक्त में, गोइंग विद द फ्लो, जहां ईश्वर लेकर जा रहे हैं वहाँ आगे बढ़ते रहिए। आपको अपनी तरफ से चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर वो मैसेज है। और जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं, वो आपकी लाइफ से इस इन 15 दिनों में रिलीज़ हो जाएगी पूरी तरीके से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप अकेले खुद इतने कैपेबल हो कि आप अपनी लाइफ में सब कर सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आपको किसी सिचुएशन का या किसी इंसान का कुछ ऐसा डर है, कुछ एक जिसे कहते हैं ना कि बस इस सपोर्ट के लिए कि वो मुझे संभाल ले या फिर उस वजह से मेरी लाइफ चलेगी, तो आपको बोला जा रहा है ये आपकी खुद की गलत फहमी है। आप खुद इतने कैपेबल हो, ओके, विद द नाइन ऑफ कॉइन्स, आप खुद में इतने संपन्न हो, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। तो वो एक अपने अंदर स्ट्रेंथ दिखाना, अपने ऊपर विश्वास दिखाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है अगेन, ये आपका जो है स्ट्रेंथ है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी केओस चल रहा है ना इस वक्त पे, मैं आपको क्या कह रही हूँ ना कि आपको अपनी तरफ से चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, बस आप क्या कर सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने गिफ्ट्स पर फोकस करना, उनको शार्प करना। ठीक है, कुछ नया सीखना या फिर उस जो आपको आता है उसको और बेटर करने के लिए आप उसको प्रोफेशनल कुछ सीख सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना इस वक्त में, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो, बाकी डिवाइन कर देंगे आपका काम। ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर इस वक्त में हो सकता है जो लोग अभी जो खुद से इनकम भी नहीं कर पा रहे अपनी, ठीक है, खुद कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, फीमेल है या मेल है कोई भी हैं आप लोग, तो आपके सोर्सेज यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है, कुछ ऐसी जगह आपको कन्वर्ट किया जा रहा है कि अब आपके सोर्सेज जो हैं ओपन हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा या तो आप सीख रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, समझ रहे हो, तो वो आपको नाइन ऑफ कॉइन्स की तरफ लेकर के जा रहा है, आपको वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बना रहा है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, तो उस तरफ आगे बढ़िए, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, जितने आप कॉन्फिडेंट रहोगे
ठीक है ना, उतनी ही आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, जो भी कुछ करना है अपने ऊपर डाउट्स मत लाइए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, अपने जो नीचे के 3 चक्रा है ना उन पर काम कीजिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। खासकर आपका जो रूट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये दो मेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। सक्सेस आपके लिए आ रही है, आप खुद इतने कैपेबल हो कि आप खुद वो सफलता को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे कोलैबोरेशंस भी है, हो सकता है आप मिल करके किसी के साथ कोई काम करना चाहो, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो, ये भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स को बेसिकली और इम्प्रूव करेगा इस वक्त में, ठीक है। और 3 ऑफ कॉइन्स ना, वाओ, मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है। आप जो भी कर रहे हो ना, ये जो लोग हैं ना, मैं ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, ओके, तो कहने का मतलब जो लोग यहाँ पर अपने ही द्वंद में लगे हुए हैं, अपनी ही चालों में लगे हुए हैं, अपनी ही उलझनों में लगे हुए हैं, अपनी ही बातों में लगे हुए हैं, उनको छोड़िए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आपको देख रहा है, और वो जो कोई है ना वो डिवाइन है जो आपको देख रहे हैं कि आप अपने में खुश हो, अपने में मस्त हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने अंदर ही बिजी हो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बरकत और बैलेंस को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको करना क्या है, गुड डीड्स पर फोकस करना है, ठीक है। चींटियों को क्या बोलते हैं, आटा खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चींटियों को आटा खिलाना, ठीक है, चींटियों के लिए आटा डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डॉग्स, कैट्स, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको, बर्ड्स को, कैट्स को, उनको फूड देना, ठीक है, उनकी टेक केयर करना, अगर आप जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आप किसी के लिए कुछ, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो इंसान है, ठीक है, अगर आप सर्दियों को लेकर के, विंटर्स को लेकर के, अगर आप कुछ उनकी मदद कर सकते हो कपड़ों के लिहाज से, ठीक है, या फिर उनको कोई कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त में, ओके। देखो, जस्टिस का कार्ड है, आप जो भी करोगे ना, गुड, जो भी अच्छा काम आप कर रहे हो, जो कुछ भी, चाहे अच्छा आप जो भी काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी भी वे में अपने ऊपर काम कर रहे हो, उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, वो जस्टिस आपके साथ होगा, डोंट वरी। लेट्स सी और यहाँ पर क्या है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है पाइसेस के लिए। द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी। मैंने आपको बोला ना, मुझे आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस, बैलेंस आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप खुद में वो हो, मतलब खुद कुछ आपका खुद का पैशन हो सकता है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका खुद का पर्सनल कुछ हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाने वाला है, तो उसके साथ आगे बढ़िए। आपको बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए, अपने पैशन से कनेक्ट होइए, जो भी आप, मतलब इस वक्त ना कोई एक आइडिया आपके अंदर पनप रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि वो अब फिजिकली वो आना चाहता है, समझ रहे हो, वो आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहता है, तो उसके साथ आगे बढ़िए, ये वक्त अब एक्शन लेने का है, ओके। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ये छोड़ दीजिए कि कितने चैलेंजेस होंगे, कितने कॉम्पिटिशन्स होंगे, ठीक है, तो आपको ये सब नहीं देखना है, बस आपको अपना काम करना है, ठीक है। ये भी एनर्जीज इसीलिए आ रही थी कि आपको अपने आइडियाज़ ना अपने तक सीमित रखने हैं। सीमित रखने का मतलब ये नहीं कि उस तक रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज है कि जो आइडिया आपको आ रहा है ना, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। आपके अंदर खुद से ना वो एक पुश मिल रहा है आपको कि मुझे वो करना है, और उन जो, ये जो भी आपका कोई क्रिएटिव जो भी चीज़ है,
ठीक है, ये कोई प्रोजेक्ट आपका हो सकता है, जो भी काम आपका हो सकता है उसमें आपको सफलता बहुत मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ही अबंडेंस प्रोस्पैरिटी मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस विच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट। डेफिनेटली अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी दिखाई दे रही होंगी और आने वाले वक्त में भी दिखाई देंगी, और आपकी खुद की जो इन गट फीलिंग है, आपकी जो इनर गाइडेंस है, वो आपको खुद को पुश कर रही है। मैंने बोला ना आपको अंदर से ही पुश मिलेगा, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है अपनी फुलफिलमेंट की तरफ। मैंने बोला ना आप खुद इतने कैपेबल हो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तरसने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इतने कैपेबल हो, कुछ तो है आपके पास, बस बस वो एक हिम्मत जुटाने की, वो एक एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर बस, ठीक है। और ये आपका खुद का यहाँ का लाइफ पर्पस, डिवाइन लाइफ पर्पस है ये, खुद आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है। आप जो कर रहे हो उससे और भी लोग इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर आपके लिए। लेट्स सी, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बी एजर्टिव, देखिए अपनी तरफ से ना अपना एफर्ट डालो, ठीक है, एक्टिव रहो, अपने हार्ट चक्रा को फॉलो करो, आपकी तरफ अबंडेंस आएगी, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। जो भी मास्क है अपने ऊपर से उतारो, आप अपने आप को, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने एबिलिटीज़ को यहाँ पर पहचानने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उस तरफ आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अगर आप अपनी तरफ बढ़ते हो ना, तो हेल्पफुल पीपल भी आपकी तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से भी मुझे यहाँ पर मिला था कि जहाँ आपने मदद की गुहार करी या आपने ऐसा थॉट लाया और आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ आपके लिए मदद है, वहाँ आपके लिए रास्ते बनेंगे, फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल टीम हो, आपकी स्पिरिचुअल हेल्प हो या फिजिकल हेल्प हो, वो आपको मिलेगी मिलेगी फॉर श्योर। पर उसके लिए आपका खुद का दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को। फेसिंग फियर, ओ माई गॉड, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। देखो कुछ तो है ना, मतलब आपकी लाइफ में ये बेसिकली माँ काली का जो मैसेज है कि अब ये वक्त है इस बदलाव को, क्योंकि हम लोग किससे डरते हैं, चेंजेस से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं, तो ये मेजर स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में अब आ रहा है इन 15 दिनों में, तो फेस करो, भले ही वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बस उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। फॉलो योर इनर विजडम, फॉलो योर इनर गाइडेंस, फॉलो योर इंट्यूशन माई डियर। माँ काली के साथ आप काम कर सकते हैं, वो बहुत स्ट्रेंथ देती हैं, बहुत स्ट्रेंथ देती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। वाओ ब्यूटिफुल। आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो रही हैं इस वक्त में पाइसिस, आपकी बेसिकली जो खुद की पावर्स है ना, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आप को जानोगे इस वक्त में, आपको बोला जा रहा है, तो अपने साथ टाइम लो, ओके। थैंक यू भोले बाबा, क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए। ओके, चेंज लीजिए, आपके लिए अब तो चेंज का ही कार्ड आ गया, ठीक है, चेंज का कार्ड है कि आपके लिए यहाँ पर चेंज आ रहा है, और इस वक्त में, इस चेंज, इस बदलाव के वक्त में आपको अपनी एनर्जीज को ना बिखेरना नहीं है, बिखर नहीं जाना है आपको, बल्कि अपने आप को और स्टेबल करना है, और सेंटर करना है अपनी एनर्जीज को, और बैलेंस में लेकर के आना है। और इस हलचल में, इस चेंज के वक्त में जितना आप सेंटर रहोगे, जितना बैलेंस रहोगे, जितना आप अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड रहोगे, जितना मेडिटेट करोगे, उतनी ही आपको आगे जो है, जिसे कहते हैं, इस सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल पाओगे और आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। समझ रहे हो आप? तो ये वक्त बदलाव का है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, और ये जो है ना, ये सारी सिचुएशन अब डिवाइन के हाथ में है, वो आपको, ये आप हो बैठे हुए उनके बच्चे, और ये डिवाइन है जो आपको लेकर के जा रहे हैं। देख रहे हो, ये भी लेडी फिगर है, जैसे डिवाइन मदर है यहाँ पर जो आपको सिचुएशन से बाहर लेकर आ रही है, कोई है यहाँ पर माँ काली के भक्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वाले भाई, माँ काली आपके साथ हैं, ठीक
ठीक है, और बाकी सबके लिए जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो ना माय डियर, वो आपके साथ है, डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो इस हलचल में भी, ओके। तो येस माय डियर पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वाकई में यहाँ से आपको गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं, तो डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसमें किसी के लिए गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।